लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को चुनाव को लेकर कड़ा संदेश दिया है। मुलायम सिंह ने कहा कि यदि चुनाव जीतना है तो जमीनों पर कब्जा करना छोड़ें। मुलायम ने कहा कि अगर पैसा कमाना है तो व्यापार करें, राजनीति करनी है तो त्याग करना पड़ेगा। यूपी बीजेपी की दो दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज से झांसी में शुरू हो रही है। बैठक के लिए प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र समेत पार्टी के कई पदाधिकारी झांसी पहुंच चुके हैं। बैठक के एजेंडे में यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई। पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया जिसमें कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने भी पुलिस पर पत्थर फेंके जिसके बाद भारतीय पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष की तबीयत खराब होने के मामले में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी के कंधे की चोट की वजह वाराणसी की खराब सड़कें हैं जिसकी वजह से रोड शो आधे में ही रद्द करना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। आगरा में कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। मतदाता सूची में नगर निगम स्तर के कई वार्डों को दो विधानसभाओं में दर्शाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसी ही गड़बड़ मतदाता सूची के बावजूद पिछले दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं। अब मामले का खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी ने जांच कमेटी का गठन किया है। कानपुर में पुलिस कस्टडी में हुई दलित युवक की मौत के बाद लोगों में खासा गुस्सा है। पुलिस के काफी समझाने के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार किया। जिला प्रशासन की तरफ से परिवार को 7,80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर के जिला जज पर कावड़ियों के हमले के मामले में बस्ती के एसपी ने कड़ी कार्रवाई की है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में कप्तानगंज के दरोगा ब्रिजेश यादव सहित 5 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। 30 जुलाई को कावड़ियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और जिला जज पर हमला किया था। इस हमले में जज के सिर में चोट आई थी। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। 350 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पीड़ितों को लंच पैकेट समेत जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। नोएडा के सेक्टर 10 की रेड लाइट के पास एक मारुति वैन में अचानक से आग लग गई। मारुति कार में सवार परिवार दिल्ली की तरफ जा रहा था, तभी कार में से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते पूरी कार को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि कार में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की जिला अदालतों के जजों को निर्देश जारी किए हैं कि वो कोर्ट में मोबाइल फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल ना करें। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यदि किसी जज को ऐसा करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।